हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी पॉइंट 0.7 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज है 16 नवंबर। 16 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सब के सब इन वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या किसी भी कम्पिटेटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इससे एक दो नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, किस राज्य ने पर्यटन श्रेणी में 3 पुरस्कार जीते हैं? आपके ऑप्शन जाएंगे ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश और सी राजस्थान और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ए उत्तराखंड। क्या चीज? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, रामनाथ कोविंद ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल का पद प्रदान किया है? आपके ऑप्शन जाएंगे ए पाकिस्तान, बी अमेरिका, सी नेपाल और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी नेपाल। कौन से? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 3, एनसीबी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन जाएंगे ए एस एन प्रधान, बी पी सी मोदी, सी वीर बहादुर सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए एस प्रधान। कौन हो जाएंगे? एस एन प्रधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए एल ओ सी एल, बी हो जाएंगे इसरो, सी हो जाएंगे एच पी सी एल और डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ए एल ओ सी एल। किसके साथ सहयोग किया है? एल ओ सी एल के साथ। क्वेश्चन नंबर 5, हस्तकला चर्चा में है इसका संबंध किस राज्य से है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए केरल, बी हरियाणा, सी कर्नाटक और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी कर्नाटक। कहाँ से है? कर्नाटक से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए शिक्षा मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यूएन डब्ल्यूएफपी के सदावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए विन डीजल, बी प्रियंका चोपड़ा, सी डेनियल ब्रूहल और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे सी डेनियल ब्रूहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। किसने अपनी नई पुस्तक अनसेकलिंग इंडिया लिखी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए सलमान अनीस ओसोज, बी हो जाएंगे अजय शिब्बर, सी हो जाएंगे उपयुक्त दोनों, डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे सी उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य सरकार ने 735 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी नागालैंड और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएंगे? उत्तर प्रदेश। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हो जाएंगे ए 13 नवंबर, बी 12 नवंबर, सी 11 नवंबर और डी इनमें से कोई नहीं। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 13 नवंबर। कौन हो जाएंगे? 13 नवंबर। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।